वगैरह ज्वाइन किया है और ये इनका दूसरा चैलेंजर्स ट्रॉफी मैच है। इन्होंने आते ही अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एक बार में सेलेक्ट हुए हैं। ये फास्ट बॉलर के तौर पे जाने जाते हैं हमारी टीम में। और हमारे कैप्टन सुमित कोकचा जी जो भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग, समीर ने पूरा प्रयास किया बॉल रोकने का। फॉलो थ्रू में कैच लेने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन शॉट में तेजी थोड़ी ज्यादा थी तो बॉल कलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन एक शानदार प्रयास। मैं एक बार अपने दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि जितनी भी लेडीज पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड पे मौजूद हैं, कृपया टीवीएम ग्राउंड पे पहुंचे, वहां पे उनका थ्रो बॉल का मैच शुरू करना है। हम लोग जितनी अच्छा टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जितनी जल्दी किसी भी निर्देश का पालन करेंगे, टूर्नामेंट को उतने ही अच्छे से हम सफल बना पाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि टीवीएम ग्राउंड पे पहुंचे लेडीज पार्टिसिपेंट्स। स्कोर बताएंगे प्लीज। 20 ओवर हुआ, 20 रन, 20 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद ग्राउंड नंबर 1 से कमेंट्री चालू कर सकता है रूपम। रूपम आप अपनी कमेंट्री चालू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विकेट लिया मनीष ने, क्लीन बोल्ड, वासिन पेंट का पहला विकेट गिरते हुए, बैट्समैन पवेलियन की तरफ लौटते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मनीष की तरफ। एक्सपीरियंस बॉलर की वापसी होते ही तारापुर को विकेट मिला। यही एक अच्छी निशानी होती है एक्सपीरियंस बॉलर की, अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करते हुए मनीष, नए बैट्समैन की एंट्री, गेंदबाजी के लिए तैयार मनीष। सेकंड रन का कोशिश करते हुए एक ही रन कंप्लीट कर पाए बैट्समैन। अगले बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मनीष की तरफ से, एक ही रन लेके पाए बैट्समैन। अभी तक केवल 3 ही रन, 3 सिंगल ले पाए इस ओवर में। ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, एक अच्छी मजबूत स्थिति में जेएसडब्ल्यू पेंट की टीम। अपना दूसरा ओवर के लिए तैयार। स्कोर 22
मनीष अमित सिंह अपनी पहली ओवर के लिए तैयार। ये तेज गेंदबाजी करते हैं और ये पहला बॉल में एक रन मिलेगा बैट्समैन को। रूपम जी आप अपने स्कोर के साथ ग्राउंड भी बता दीजिए। दोनों ग्राउंड्स पे चल रहे हैं तो ग्राउंड वन हम यहाँ ग्राउंड टू का भी बता रहे थे। वाइड गेंद एक पेंट की टीम में और दूसरा भी वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ पे। तो जो तारापुर की टीम है उनको अपना गेंदबाजी की फोकस और लय मेंटेन करना शुरू से ही लग रहा है कि लय मिल नहीं रही है, दिशाहीन गेंदबाजी ज्यादा हो रही है, तो थोड़ी मेहनत करने की जरूरत गेंदबाजों को। अच्छा अच्छी वापसी मैच में अच्छी गेंदबाजी अमित की तरफ से। एक अच्छा और एक और क्यों माना है चुराने के लिए ये अच्छा सिक्स मारा सूरज ने। सूरज तिवारी एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है जेएसडब्ल्यू पेंट की तरफ से, तीसरे नंबर पे बैटिंग के लिए आते हैं। अभी कुल स्कोर हुआ है 36 रन्स एक विकेट के नुकसान पे। स्कोर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है द्विवेदी जी? ओवर के हिसाब से हमारे पास भी एक से एक धुरंधर बैट्समैन है, स्कोर की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ हमको थोड़ा कंट्रोल में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। दिशाहीन जो गेंदबाजी हो रही है मुझे लग रहा है बहुत कंट्रीब्यूशन कर रही है स्कोर में, बैट से ज्यादा रन जो आ रहे हैं ये वाइड बॉल से आ रहे हैं। गेंदबाजों को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा वाइड गेंद नहीं फेंके, वाइड गेंद डालते एक बॉल भी एक्स्ट्रा मिल रही है अगली टीम को। एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और शानदार बॉल, भोसले जी के वर्ड से इंस्पायर होते हुए टीम ने दिखाया है कि देखो कंट्री से कम नहीं। भोसले जी की कमेंट्री ने अमित सिंह को इम्प्रोवाइज किया है और तारापुर की टीम में एक नई जान फूंक दी है भोसले जी की कमेंट्री ने। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से भोसले जी कमेंट्री करना जारी रखें और तारापुर की टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पे देती रहे। अभी यही जरूरत है कि स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते रहे और दो तीन विकेट लेने की कोशिश करे। भोसले जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि टीम के अंदर मौजूद मैकेनिकल बैटिंग के जितने भी प्लेयर हैं उनसे दो दिन की ओडी और बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आप लोग यहाँ पर इस पे प्रदर्शन अच्छा करें। और ये नए बल्लेबाज जाकर स्ट्राइक लेते हुए बिल्कुल
बॉलर की तरफ से अगली बॉल लाते हुए और ये एक लंबा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए बैट्समैन, पूरी लाइन और लेंथ के साथ में ये ओवर समाप्त किया। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर में जानना चाहूंगा, चार ओवर की समाप्ति पे 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और अगला ओवर लेके आ रहे हैं शायद मनीष शुक्ला, जो कि बहुत ही कामयाब साबित होते हैं। मनीष शुक्ला जी बहुत ही खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं हमारे तारापुर टीम के। मनीष शुक्ला जी ने अपने पहली बॉल में एक विकेट लिया था। बहुत ही पेशेवर मनीष शुक्ला, बहुत ही शानदार बॉलिंग मनीष शुक्ला जी की। बैट्समैन एक रन लेने में कामयाब हुए, लेग बाय का इशारा, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। ओवर की दूसरी गेंद और एलबीडब्ल्यू की एक शानदार तेज अपील और इसी के साथ विकेट मिला। अब मनीष शुक्ला ने एक बार फिर से निराश नहीं किया, आपको एक सफलता दिलाई, तारापुर की टीम को एक और सफलता मिलती हुई। वाशिंग पेंट का तीसरा विकेट पवेलियन की ओर वापस जाता हुआ, दूसरा विकेट है, ये दूसरा विकेट है मनीष शुक्ला जी। और राकेश जी बिना कुछ रन बनाए, बिना कुछ खाता खोए वाशिंग पवेलियन लौटते, वाशिंग पेंट का चौथा प्लेयर आकाश पिच पे आए हुए। थोड़ी देर पहले भोंसले जी पूछ रहे थे कि एक ओवर के बारे में आपका क्या विचार है, तो भोंसले जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके विचार यहाँ पे कुछ बदले या फिर वही हैं? नहीं, इसी तरह से गेंदबाजी करते रहे तो अच्छा है। और अगली बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मनीष की तरफ से, एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है जो अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए और जो एक्सेस रन किए गए अभी तक वो कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से उम्मीद है हमको तारापुर टीम से कि वो अच्छी गेंदबाजी करे और 50 के अंदर स्कोर मेंटेन रहेगा। तो यदि अगेन वाइड बॉल, ये वाइड बॉल एक परेशानी बनते हुए तारापुर टीम के लिए, आप आपकी लय मेंटेन करते रहिए, अच्छी दिशा रखे बॉल को तो बैट्समैन पे प्रेशर करेगी। अभी लग रहा है कि बैट्समैन कम आ रहे हैं तो आप गेंदबाजी दिशा स्टम्प गेंदबाजी करते रहे। ऐसा नहीं है भोसले जी, क्या है कि ज्यादा लो स्कोरिंग मैच भी अच्छा नहीं लगता है। तारापुर की टीम क्या है, सभी को चांस देती है कि थोड़ा बहुत स्कोर हो जाए जिससे कि वो फाइट कर पाए। और एक ही है कि कितनी बुरी तरह बीट हुए हैं लेकिन एक रन लेने में कामयाब हुए वाशिंग पेंट की टीम। स्कोर 41। बात है दोनों ही ग्राउंड पे 40 के अराउंड स्कोर है। मनीष शुक्ला की अगली गेंद और फिर से एक बार जोरदार हिट करने की कोशिश में डॉट बॉल खेली वाशिंग पेंट की टीम ने। ये कहीं ना कहीं स्कोर पे अंकुश लगते हुए, जब से आपने देखा कि पहले दो ओवर में 20 रन निकल गए थे और अगले तीन ओवर में 21 रन का ऐड होते हुए वाशिंग पेंट्स के टीम में, तो कुल 5 ओवर की समाप्ति पे 41 रन 3 विकेट पे। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा भोसले जी कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। एक और अनुभवी प्लेयर तारापुर की तरफ से अपना ओवर लेके आते हुए अमित पटेल जी, और ये गेम चेंजर के रूप में जाते हैं। यहाँ पे भी गेम काफी हद तक कर लिया और ये पहली बॉल डॉट बॉल, 5 बॉल है
पांच बॉल बाकी है वाशिंग पेट के इनिंग की, और इन पांच बॉल के अंदर और ये बीट हुए थे, लेकिन ऑफ साइड की तरफ निकल गया, कोई फील्डर नहीं था, सीधे चार रन का फायदा हुआ, दो रन का फायदा हुआ वाशिंग पेट की टीम को। अभी कुल स्कोर हुआ है 43 रन 3 विकेट नुकसान पे, और ये बहुत ही अच्छा बॉल था, स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं अमित अपने पहले ओवर से सीख लेते हुए, और एक अच्छा विकेट है, चौथा विकेट वाशिंग पेंट्स। तो एक स्कोर अभी लिमिट हुआ है 43 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और आखिरी दो बॉल बचे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो बॉल भी वो निर्धारित उठा, तीन बॉल बचे हैं, माफी कीजिएगा, आखिरी दो बॉल के लिए माइक मैं लेके जा रहा हूं नौलखे सर के पास में, थोड़ा सा कमेंट्री नौलखे सर करेंगे। बड़ा रोमांचक मैच है ये, आखिरी की तीन बॉल बची हुई है, दो है तीन तो नहीं नहीं बॉल दो ही है ना, दो बॉल सॉरी लास्ट दो बॉल बची हुई है, तीन बॉल सॉरी। और ये बॉल शानदार बॉलिंग अमित पटेल के द्वारा, और ये हैट्रिक का चांस है अमित पटेल के लिए। कृपया टाइम का ध्यान दें, बैट्समैन ज्यादा टाइम न लगाए आने के लिए जी, दो मिनट के लिए टाइम आउट, बैट्समैन का टाइम आउट का विशेष ध्यान रखें, और अमित पटेल अपने ओवर पांचवी गेंद लेके आते हुए हैट्रिक चांस की तरफ, देखना है इस गेंद पे क्या होता है, लेकिन बैट्समैन ने सावधानी से खेली, फील्डर वहां पे मौजूद केवल एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा वाशिंग पेंट की टीम को, और पेंट की इनिंग की आखिरी बॉल, स्कोर हुआ है 44। लास्ट बॉल पे भी विकेट निकाला है इस तरीके से, बहुत ही शानदार उपसी करी अमित पटेल ने, ओवर हैट्रिक कर ली है अमित पटेल ने, और एक अच्छी शुरुआत के बाद जेएलडब्ल्यू पेंट 44 रन पे समेटती हुई, अच्छा ओपनिंग किया था जेएलडब्ल्यू पेंट ने, 22 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी की थी, लेकिन आगे वो मेंटेन नहीं कर पाए, और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट के कारण स्कोर लिमिट रहा है 44 रन के लिए। टारगेट फॉर तारापुर टीम इज 45 रन 6 ओवर्स में, सबसे ज्यादा विकेट लिए अमित पटेल ने, 3 विकेट्स लिए हैं, मनीष शुक्ला ने 2 विकेट्स लिए हैं, और अमित सिंह ने 1 विकेट लिया है। अमित पटेल कहीं अपने पहले ओवर में थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी हुई थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए सेकंड ओवर में अपने बैकअप करते हुए अपने दूसरी ओवर में अपने आप को गेंदबाजी में अपना हुनर दिखाती हुई उन्होंने 3 विकेट्स लिए एक ही ओवर में, और तीनों क्लीन बोर्ड। तो नेक्स्ट मैच के लिए मैं अनाउंस करूंगा मुंबई कौन सा है, गोवा वर्सेस पुणे एमआई टीम, गोवा एंड पुणे एमआई टीम की कैप्टन्स को अनुरोध करूंगा कि वो
कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए और नेक्स्ट मैच के लिए टॉस करना है। गोवा और पुणे है भाई, टीम कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। वाशिन पेट से रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्दी से ग्राउंड के अंदर आए, अपनी पोजीशन लें। पुणे एमआई टीम कैप्टन आप लोग चाहिए मत, कंटिन्यू है सेकंड इनिंग। अंपायर पुरानी बॉल, पुरानी बॉल। एम आई हैदराबाद और गोवा के बीच में यहाँ टॉस। एम आई पुणे, एम आई पुणे। एम आई अहमदाबाद ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है, वहीं दूसरे टॉस के लिए रेडी है गोवा, गोवा एंड पुणे एम आई। हमारे बीच में कोटेट हेड एचआर श्री कनक सिंह जी पधार चुके हैं, हम सभी कनक सिंह जी का स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से कनक सिंह जी का स्वागत किया जाए। वेलकम सर। और अगला टॉस यहां पे हो रहा है गोवा और एमआई पुणे के बीच में। गोवा कैप्टन बाबा जी कृपया इधर आए, एम आई पुणे। हाँ, कनक सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉस कराएं गोवा टीम और एम आई पुणे के लिए बीच। और ये ग्राउंड नंबर 2 का मैच है। कॉल कर रही है एम आई पुणे। टॉस जीता है एम आई पुणे ने और क्या बॉलिंग, बॉलिंग, बॉलिंग। थैंक यू सर। एम आई पुणे ने बॉलिंग करने का फैसला किया है। ग्राउंड 2 का नेक्स्ट मैच है, गोवा की टीम पहले फील्डिंग करेगी, अच्छा सॉरी बैटिंग करेगी, गोवा की टीम बैटिंग करेगी।
बैट्समैन क्रीज पे आते हुए तारापुर की टीम सुमित कोकचा जी स्ट्राइक लेंगे और अमित सिंह नॉन स्ट्राइक एंड पे, तो दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्ड रन 45 रन फॉर तारापुर टू विन 45। और एक अपने लंबे लंबे स्ट्रोक खेलने के लिए मशहूर सुमित जी और अमित जी दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस, वासिन के गेंदबाज, वासिन पेंट्स के गेंदबाज, तेज गेंदबाज तैयार होते हुए संकेत अपनी पहली गेंद के लिए। और अच्छी गेंद लेकिन मिसफील्ड हुआ कीपर के द्वारा, एक रन लिया बहुत स्फूर्ति से अमित ने, वाइड गेंद का इशारा, तो कुल दो रन जमा हुए खाते में बिना कोई बॉल के। वासिन पेंट की टीम को स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी पड़ेगी मैच में रहने के लिए, टारगेट से 10 रन मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कम बने हैं, तो 45 के टारगेट के अगेंस्ट में 2 रन बिना कोई बॉल के ऑलरेडी तारापुर के खाते में जमा हुए। अमित सिंह स्ट्राइक पे वेरी हायर लंबे लंबे सिक्स मारने के लिए मशहूर है और उठा के मारा अपने इसकी तरह अपने नाम की तरह 4 रन पहले ही गेंद पे, तारापुर टीम ऑन। लेग साइड पे मारा अमित सिंह ने खींच के बॉल, एक टप्पा के बाद बॉल बाउंड्री के बाहर जाते, एक नेक्स्ट बॉल अच्छा प्लेस में के द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संकेत के द्वारा मैच में रिटर्न होते हुए संकेत, कोई रन नहीं बॉल पे। अच्छा गेंद लेकिन हवा में गेंद और कैच, बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर सोमनाथ की तरफ से, कई 2 से 3 इंच ही बाउंड्री को टच होते हुए रुके, लेकिन तो लगता है कि तारापुर की टीम को जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है, हवा में शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अगले गेंदबाज अगले बल्लेबाज मनीष, दोनों बल्लेबाजों को क्रीज पे डटे रहने की जरूरत है। एक विकेट के नुकसान पे 6 रन। मनीष को क्रीज पे डटे रहने की जरूरत है, क्रीज पे रहोगे तो अपने आप चलते रहेंगे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हवा में शॉट ना खेले। अगले बॉल की तैयारी में संकेत, बैट्समैन तैयार, अच्छा प्लेसमेंट, एक रन के लिए दौड़े, एक ही रन मिलेगा लेकिन कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की, 7 रन तारापुर खाते में जमा हुए एक विकेट के नुकसान पे। सुमित जी, सुमित कोकचा कैप्टन, अच्छा प्लेसमेंट, एक रन मिलेगा, इसी तरह से क्रिकेट खेलने की जरूरत है। स्कोर बोर्ड पे ध्यान रखिए, स्कोर बोर्ड को हिलता हुआ रखेंगे तो 44 रन का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट, अच्छा ऑन और 4 रन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट,
पहले ओवर की समाप्ति 12 रन तारापुर एक विकेट के नुकसान पे। सोमनाथ के द्वारा बहुत ही अच्छा गेंदबाजी सोमनाथ से द्वारा, उन्होंने एक अच्छे बल्लेबाज को कैच आउट कर दिया जो कि एक खतरनाक बल्लेबाज है। नेक्स्ट ओवर के लिए सोमनाथ आए हैं, वो भी एक बहुत अच्छे एंड एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है। जेएसडब्ल्यू पेंट की उम्मीद है सोमनाथ के ऊपर की जल्द से जल्द एक या दो विकेट ले, जो अमित पटेल ने तारापुर टीम के लिए किया था एक ओवर में 3 विकेट लेके उन्होंने जो स्कोर बोर्ड पे ब्रेक लगाया था, वही कुछ उम्मीद जेएसडब्ल्यू पेंट की सोमनाथ की तरफ से। बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, ओवर में 12 रन गए। कृपया ग्राउंड से आवागमन ना करें, मैच बात होता है। और ये अगली बॉल अंपायर के द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा, तारापुर का स्कोर बढ़ता हुआ 1-1 रन की वृद्धि के साथ में तारापुर का टोटल स्कोर हो गया 13 रन एक विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर चलता हुआ मैच, और ये शानदार प्लेसमेंट का नमूना दिखाया कैप्टन समित कोपचन ने, और मनीष स्ट्राइक पे हेलमेट बिल्कुल नहीं लगाए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आक्रामक मुद्रा बैटिंग कर रहे हैं मनीष शुक्ला, और उसी के हिसाब से लेग साइड में खेल दिया है, दो फील्डर मौजूद वहां, केवल एक रन मिलेगा यहाँ बैट्समैन को। टोटल स्कोर आपको इसी तरह से खेलते रहना है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रन स्कोर बोर्ड पे जुड़े जा रहे हैं, गैप्स में खेलिए, कोई रिस्क ना ले। अच्छी प्लेसमेंट लगन सुमित कोपचा के द्वारा गैप में खेलते हुए, और उसके कारण फील्डरों को दौड़ना पड़ रहा है, थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन कोई रन में मुद्दा पे नहीं, एक ही रन मिलेगा वहां। सोमनाथ के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कोई लंबा ज्यादा रन नहीं दिए उन्होंने, एक एक रन ही प्लेसमेंट करके ले पा रहे हैं बैट्समैन, लेकिन डिफेंसिव खेलते हुए तारापुर की टीम, ज्यादा स्कोर नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, ग्राउंड शॉट्स खेलते हुए अच्छा ग्राउंड शॉट सुमित कोपचा की तरह, और देयर इज अ मिसफील्ड एंड चैलेंज पेंट, जेएसडब्ल्यू पेंट्स को मिसफील्ड्स नहीं करने पड़ेंगे, ये 4 रन उनको बहुत महंगे पड़ सकते हैं, ऑलरेडी स्कोर बोर्ड पे थोड़ा कम स्कोर हुआ है, तो उनको फील्ड में अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए रन रोकने पड़ेंगे, जैसे कि पहले ओवर में सोमनाथ ने बाउंड्री पे जो कैच लिया था उसी तरह से प्रदर्शन दोहराने की जरूरत जेएसडब्ल्यू पेंट को। अतिरिक्त रन मिलने के बावजूद स्कोर केवल बहुत कम है वाशिंग पेंट्स का, और ये ऑफ साइड की तरफ हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया है, सीधे 2 रन का इजाफा किया तारापुर के स्कोर में मनीष शुक्ला ने। लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है तारापुर की टीम ने, और उनकी इनिंग का तीसरा ओवर जारी है, इसी तरह आधा रास्ता कंप्लीट निकाल, और ये एक कड़ा शॉट खेला मनीष ने, और ये बाउंड्री के बाहर सीधा 4 रन के लिए खेला मनीष ने, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए मनीष शुक्ला। जिस तरीके से फुल टॉस बॉल डालोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, बाउंड्री लाइन से थोड़े चूकते हुए सेंटीमीटर आगे गेंद टप्पा खाकर रन के लिए गई, थोड़ा ताकत होता तो 6 रन के लिए हो जाता। इट्स अ फ्री हिट नो बॉल, फ्री हिट देखते हैं मनीष शुक्ला जी फ्री हिट का कैसे उपयोग कर लेते हैं, और शानदार शॉट लेकिन दूर नहीं जा पाया, टाइमिंग नहीं हो पाई, तो एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी और सूझ दिखाते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन तारापुर की टीम से 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 28 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे जेएसडब्ल्यू पेंट थे 22 रन पे। अच्छी शुरुआत थी जेएसडब्ल्यू पेंट की, लेकिन बाद में अमित सिंह और मनीष शुक्ला जी ने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेने के कारण ज्यादा स्कोर नहीं हुआ,
दो ओवर की कंपेयर करते हुए तारापुर की रन छह रन से आगे है, 28 स्कोर है एक विकेट के नुकसान पे। देवेंद्र अगले बॉलर, देवेंद्र तेज गेंदबाज, अच्छा बॉल बीट करते हुए मनीष शुक्ला को। अंपायर से इंस्ट्रक्शन, क्रीज के ऊपर ना दौड़े बॉलर को। गेंद के लिए तैयार मनीष, अच्छा बॉल लेकिन अच्छा प्लेसमेंट मनीष शुक्ला के द्वारा, एक रन। तारापुर टीम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई और जेएसडब्ल्यू पेंट टीम तारापुर टीम लक्ष्य से दूर रखने की कोशिश करते हुए, एक बहुत अच्छा मैच चल रहा है, रोमांचक मैच देखने के लिए मिल रहा है। अच्छे शॉट्स लगाए जेएसडब्ल्यू पेंट के टीम ने, एट द सेम टाइम अच्छी फील्डिंग। ये क्रू में जो भी है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फील्ड के बाहर से आवागमन करें। वाइड गए, अच्छी गेंदबाजी अपील, बाउंड्री के फील्डर के द्वारा अपील, हमारे लेग बाय का इशारा। अपील नहीं किया, बाहर जाती हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा बॉल लेकिन अच्छी गेंदबाजी। तो दोनों गेंदबाज अच्छे प्रयास करते हुए अपने को नजर आ रहे जेएसडब्ल्यू पेंट की टीम, लेकिन एक रन नहीं रोक पाए। बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन क्रीज पे है, जेएसडब्ल्यू पेंट को यदि मैच पे बना के रखना है तो ये दोनों गेंदबाजों आउट करना बहुत जरूरी है, आउट होना चाहिए बैट्समैन को। दोनों बैट्समैन ग्राउंड शॉट्स खेलते हुए और फील्डरों के बीच में बॉलर गेंदबाज नहीं पकड़ पाए, बहुत चुस्ता एक रन, चुस्त एकदम चुस्त मनीष शुक्ला जी, तुरंत सेकंड रन दे दिए और सेकंड रन तीन ओवर 34 रन एक विकेट के नुकसान पे, 11 रन थ्री ओवर्स में। ड्रिंक ब्रेक, एक अंपायर, एक बॉल बचा हुआ है, स्कोर इज 34 रन एक विकेट के नुकसान पे। देर इज समाप्ति का इशारा किया, ओके ओवर की समाप्त। देर इज सम कम्युनिकेशन बिटवीन अंपायर एंड स्कोरर्स, जस्ट वेटिंग द सर। कोच है तारापुर टीम के जो गाइड करते हैं रेगुलर बैट्समैन को, वो मैदान की तरफ देखते हुए और संतुष्ट होंगे कि जो जिस तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज और सुमित जी, यही लय उनको पूरी टूर्नामेंट मेंटेन रखने की जरूरत है। राकेश जी नेक्स्ट गेंदबाज, फास्ट गेंदबाज है सर, बोलने का अच्छा बॉल लेकिन गेन अच्छी प्लेसमेंट मनीष शुक्ला, एक रन गैप में खेल के सहजता से एक रन कंप्लीट किया। एक रन के साथ तारापुर का स्कोर है 36 रन। ओ जोरदार अपील फील्डर्स द्वारा,
लेकिन बॉलर का सहयोग नहीं अपील पीट कर सुमित कोकचा अच्छी गेंदबाजी सुंदर सा प्लेसमेंट एक रन ही मिलेगा मैच धीरे धीरे तारापुर की तरफ झुकते हुए लगता है द्विवेदी जी की ये मैच पंद्रह बाकी है और आठ रन चाहिए अच्छा प्लेसमेंट दो रन मिलेगा या एक रन दो रन पिछड़ा अंपायर द्वारा गोवा वर्सेस पुणे एमआई दोनों टीम तैयार है गोवा वर्सेस पुणे एमआई दो ओवर शेष रहे और छह रन ही निकालने हैं तारापुर टीम को तो उम्मीद है कि मैच जैसे जल्द खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टीम प्लीज बी रेडी हमें हमारे पास ओनली 5 मिनट्स रहेंगे नेक्स्ट मैच चालू करने के लिए ऑलरेडी वी आर गेटिंग बिहाइंड द शेड्यूल हमको शेड्यूल टारगेट्स मीट करने के लिए नेक्स्ट टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तैयार रहे देयर इज सम कंफ्यूजन ऑन द ग्राउंड ओके देवेंद्र जी रेडी फॉर नेक्स्ट बॉल आसान सा कैच छोड़ दिया बहुत निराश हुए होंगे देवेंद्र मनीष को कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है केवल 6 रन चाहिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट गेम फुल टॉस ले लिया प्लेस किया फील्डर के बीच में 4 रन के लिए फील्डर भी थोड़ा मायूस होते हुए या चुस्ती नहीं दिखाते हुए ये गेंद रोक सकते थे फील्डर से थोड़ा 4 रन केवल 2 रन चाहिए जीत के लिए ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्त हुए 4 ओवर के समाप्त 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे देखते ही देखते तारापुर की टीम ने इस मैच पे अपना शिकंजा पूरी तरीके से कस लिया है देखना होगा कि विनिंग शॉट किसके बैट से आता है समित कोकचा स्ट्राइक पे और वो जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करना चाहेंगे और अपने अगले मैच के लिए अपनी टीम को प्रिपेयर करेंगे तो देखना है ये 2 रन कितनी बॉलों पे आते हैं समित कोकचा स्ट्राइक पे हैं और बॉलर वाशिन पेंट्स के बॉलर अपने ओवर की पहली बॉल लेके आते हुए पहली बॉल पे जोरदार हिट लगाने का प्रयास शायद मैच यही खत्म कर दिया इसके बाद तारापुर ने यह मैच जीत लिया इस टूर्नामेंट में तारापुर की पहली विक्ट्री हमारे सारे दर्शकों को निराश नहीं किया और समित कोकचा और मनीष शुक्ला के द्वारा अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे ये मैच अपने नाम किया अगले मैच के लिए और गोवा रेडी रहे गोवा गोवा टीम का एक रिप्रेजेंटेटिव